अस्सलाम वालेकुम, अभी हमें किचन में वेलकम। तो फिर नई रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। आज हमारे किचन में बन रहा है अंडा छोला दम बिरयानी। तो ये बहुत मज़े की बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं इसको बनाने की तरफ। चावल ले लिए हैं और वो भिगो के रख दिए हैं हमने तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए। और इसके अंदर 6 अदद अंडे यूज़ करूँगी मैं बॉयल हुए हुए, 2 अदद टमाटर यूज़ करेंगे हम कटे हुए, 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज यूज़ करेंगे हम कटी हुई, 1 प्याली हम छोलो बॉयल हुए भी यूज़ करेंगे। अब चलते हैं मसालों की तरफ। तो मसालों में बादियानी फूल 1 अदद, 2 अदद लौंगे, 1 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद दालचीनी, 1 अदद तेज़पत्ता और 1/2 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा शामिल करेंगे हम। और मसालों में शामिल करेंगे हम ये नमक शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून, और इसके अंदर शामिल करेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, जायफल पाउडर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून, जावित्री पाउडर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर। बिरयानी मसाला आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, 2 टेबलस्पून यूज़ करेंगे हम। और हरी मिर्ची हम इसके अंदर 6 से 7 कुटी हुई यूज़ करेंगे। लेमन हम इसके अंदर स्लाइसिस में कटे हुए 2 अदद मैंने लिए हैं, और तकरीबन 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं इसके अंदर। और इसके अंदर 1 प्याली भर के हमने दही का ले लिया है। और अब सबसे पहले हमने एक बर्तन ले लिया है, उसके अंदर हम तेज़पत्ता, ज़ीरा, 2-4 लौंगे, बड़ी इलायची और दालचीनी 1/2 टीस्पून ज़ीरा लिया है हमने, और ये सब कुछ हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। पुदीना शामिल कर देंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा हरा धनिया, और 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम शामिल करेंगे ऑयल, और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये हम चावलों का पानी पका रहे हैं, और अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे अपने चावल। जब ये अच्छे से पानी हमारा बॉयल हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर अपना चावल शामिल कर देंगे। तो जैसे कि मैं कर रही हूँ, अब इसको बॉयल होने देंगे हम अच्छे से। जब ये बॉयल हो जाएगा तो फिर इसका हम पानी निकाल लेंगे और चावलों को सेपरेट कर लेंगे, पानी इसका निकाल लेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो ये गल चुके हैं, तो अब हम इसका पानी निकाल लेंगे। तो चलते हैं अब अपने मसाले की तरफ। तो मसाले में मैंने घी ले लिया है 1/2 कप जितना, और उसके अंदर मैंने ये प्याज को डाल दिया है ब्राउन होने के लिए। जब तक ये गोल्डन ब्राउन होगी मैं इसको तब तक के लिए पकाऊंगी। और घी में मैं बना रही हूँ क्योंकि इससे और ज़बरदस्त टेस्ट आएगा बिरयानी का। तो ये देख सकते हो आप अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। अब इसकी हाफ मैं निकाल लूँगी और 1/2 इसी के अंदर रहने दूँगी। 1/2 प्याज मैं इसके अंदर निकाल लूँगी और फिर इसके अंदर शामिल करूँगी मैं गरम मसाला। साबुत गरम मसाला हम इसके अंदर शामिल करेंगे, जो मैंने आपको बताया था, ज़ीरा, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग, और ये आप देख सकते हो ये सब चीज़ें मैंने शामिल कर दी इसके अंदर, और दालचीनी, और थोड़ा सा चम्मच चला लेंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपने टमाटर। तो ये टमाटर मैंने शामिल कर दिए हैं अच्छे से इसको, ताकि ये अच्छे से गल जाए, और इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। ये हमने हरी मिर्ची भी शामिल कर दी हैं, और अब इसके साथ मैं इसको थोड़ा सा देर कवर करके रख दूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए और ये थोड़ा गल जाए। तो मैं इसको कवर करके रखूँगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद कुछ इस शक्ल का हो जाएगा, और अब हम इसको थोड़ा भुनाई करेंगे और इसके अंदर बाकी के मसाले भी शामिल करेंगे। इसके अंदर सारे जितने भी हमारे ड्राई मसाले थे वो मैं शामिल करूँगी, और ये मैंने लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया, बिरयानी मसाला शामिल कर दिया इसके अंदर, और जायफल, जावित्री पाउडर शामिल कर दिया, नमक शामिल कर दिया इसके अंदर, और गरम मसाला भी हम इसी के अंदर शामिल कर देंगे पिसा हुआ। और इस ये आप देख सकते हो सारे मसाले शामिल करने के बाद, और कुछ लेमन स्लाइसेस इसके अंदर डालूंगी, और कुछ लेमन स्लाइसेस मैं दम पे रखूंगी। तो ये 1 अदद लेमन का जो स्लाइसेस काटे थे वो मैंने डाल दिए, आप चाहो तो लेमन जूस भी डाल सकते हो। और अब मैं इसके अंदर दही शामिल कर रही हूँ, और इसके साथ अब मैं थोड़ी इसको पकाऊँगी 5 मिनट का, इसको फिर कवर करके रख दूँगी। 5 मिनट बाद फिर हम दोबारा मिलेंगे, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी कुछ शक्ल किस तरीके की हो जाएगी। तो ये कवर कर दिया, और ये देखिए 5 मिनट बाद कुछ इस जैसा हो जाएगा ये। और अब इसकी भुनाई करेंगे, और बहुत झटपट और ज़बरदस्त सी बिरयानी बन जाती है। तो अब ये मैंने छोले अब शामिल करे हैं, चने जो है ना अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं बॉयल हुए हुए, और अब इसके बाद इसके अंदर अंडे भी शामिल कर दूंगी, और इसकी फाइनल भुनाई करेंगे हम। सिर्फ
तकरीबन 10 मिनट के लिए। हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए, और ये आप देख सकते हो 10 मिनट तक हम सिर्फ इसकी भुनाई करेंगे, कुछ इस शक्ल का हो जाएगा। तो ये बिल्कुल तैयार है। तो चलते हैं इसकी तेल लगाने की तरफ। अब ये मैंने 1 चम्मच जितना घी तले पे लगा दिया है, और ये मैंने चावल इसके ऊपर, आधे चावल इसके ऊपर डाल चुकी हूँ मैं। और अब अपना हमने जो कोरमा मसाला अपना बनाया था, वो सारा मसाला हम इसके ऊपर डाल देंगे, और ये आप देख सकते हो अच्छे से फैला लेंगे इसको चारों तरफ से। फिर उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे बाकी बचे हुए चावल अपने, वो हमने शामिल कर दिए इसके ऊपर। और अब इसको भी अच्छे से हम फैला लेंगे ताकि अच्छे से कवर हो जाए। फिर इसके ऊपर हम शामिल करेंगे धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें कटी हुई, और लेमन स्लाइसेस कटे हुए, और अपनी जो हमने प्याज निकाल के रखी थी वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और ज़रदा कलर हम इसके अंदर डालेंगे, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। मैं लिक्विड वाला यूज़ कर रही हूँ, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको मैं दम लगा दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, और 15 मिनट बाद ये कुछ इस शक्ल की हो जाएगी। माशाल्लाह से बहुत अच्छी हमारी बिरयानी तैयार हुई है। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, तो मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे तैयार हुई है। तो ये देख सकते हो आप, अब इसको करते हैं डिश आउट। तो ये मैंने डिश आउट कर ली है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, इससे मेरे हर न्यू नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो ये बड़ी मज़ेदार हमारी बिरयानी तैयार हुई है, थोड़ी सी डिफरेंट सी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। फिर नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।